ना तो ज्यादा ध्याड़े मैं कोडली रही सकना तो ना ज्यादा ध्याड़े वो पलाकार रही सकना तो साढ़े वास्तव मुश्किल हो जानी है ना। हूँ मैं भी इतने रहा तो बाकी मामलात किस तरह चलन, चलो बंदा एक साइड पर हो ही जाना और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारी सकना। वाला साहब माड़े सोचने उसने कि असा कुड़ी शादी करता आती सी या मुड़े की डोली पाई दिता उसी। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लखा करोड़ों दरूद सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोनों नियाल पर। मौजूद नाज़रीन तक में कश्मीरी बैठक तो मैं मेज़बान साकिब नवाज कश्मीरी। उम्मीद करना जी सारे दोस्त अखबार भैया पर अल्लाह ताला ने फजल करम तो शुक्र नाल ठीक ठाक सो खैर वफियत नाल सो अपनी जी जिंदगी है वो ऐसे अंदाज़ गुजारना पे सो अंगूठा हूँ जहरा सदरी दिसी ना पूरा हाथ फोल्ड हुई तो मैं गुड तरह कर सकना ना और दुए थे कैमरा पड़ा हुआ थोड़े जे मामलात मुश्किल हो जाने पर कोशिश पूरी करी ना मैं कि फ्रैक्चर जरा ना इसकी माड़े तो सोने दरमियान जी प्यार मुहब्बत है उसने रुकावट ना बनने दें। बाकी माशाल्लाह जनाब इंतहाई खूबसूरत व्यू है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ना इंतहाई खूबसूरत और पहाड़ जड़े ना आस्ते आस्ते सरसा सोना शुरू हो ही गए। पापा सोना जागी है सवेरे सवेरे तैयार शेर हुई गया आज फिर कल कोट शोट लाया इसने जाने से लुक चंगी लगनी है लगी हुई तो मैं चलो ये लाई रखा हूँ मैं बड़े सैक्शन दस है वैसे तो मैं काले कपड़े भी तकिया चिट्टे अज भी चिट्टे ज्यादा सोने लगने या काले ज्यादा सोने लगने जिसने वोटिंग ज्यादा हुई ना नेक्स्ट असम फोकस कराया करसा गर्मियां आई गई जाहिर सी बात है वेस्ट कोट के थले कोई ना कोई सूट ही चलसी तो असं उ लाया करसा इनशाला। बाकी कोटली मौजूद हूँ जनाब इसलिए रात के ब्लॉग सो तकिया बड़ा पसंद किया अल्लाह ताला सो सारे की सलामत रखे अगर अजे थोड़ी वो पिछला ब्लॉग ने तकिया तो कल ब्लॉग लाजमी तकिया उसने बड़ी मौज मस्ती एंटरटेनमेंट सी है। अगला प्रोग्राम बनाने से पहले जुले नीचे पहले नाश्ता नुश्ता करने हैं तो फिर तकने हैं क्या सीन बनना क्या कुछ कम काज होने और बाकी सारी एक्टिविटियाँ लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल चैनल सब्सक्राइब करी उड़ो कोई टाकी टोकी मारी उड़ो सब्सक्राइब वाले बटन पर। फेसबुक या टिकटॉक यूजर हो तो जनाब डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है उन्होंने पर जाइए दसा कि फॉलो करी उड़ो अगर ऑलरेडी फॉलो किया है उतू तकने लगे हुए तो रीपोस्ट है शेयर वगैरह करी उड़े और गलत पता हो सकता है लेकिन सबसे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। वेलकम हो गया सारे कि नवे तो खूबसूरत जी किस्म ने व्लॉग ने अंदर खूबसूरत जी मौसम चो वैसे तो भावा सुना तो पैगल नसना रहना लेकिन इतने अच्छे उन्होंने केस उल्टा हो जाना राती ठीक ठाक किस्म की ठंड होनी है इस वजह से थोड़ी बहुत धुप लाना इतना बनना है। बाकी पार इंतहाई खूबसूरत पहाड़ जिन्हें पहाड़ा का मैं दीवाना हाँ स्पेशली खसूसियत इन्होंने पहाड़ा जो साढ़े पास पहाड़ थे लेकिन जो अपर अपर कुदरे चीड़े ने बूटे सी नजर आए रहना यह इन्होंने पहाड़ा की खूबसूरती की चार चांद लाई उन्होंने सो हर बंदे की कोशिश करनी चाहिए कि दरख्त ज्यादा थू ज्यादा लाया उन्होंने कहा बादशाह ने एक स्पेल रहना आया इस तू पहले अगर तुम दरख्त लाना चाहना तो लाई सकने इन शाला दरख्त लगी जा सकना तो नाश्ते ना पूछने क्या स्टोरी है फिर नाश्ता करने उस तो बाद मिल रहा है। आ गया जनाब साड़ा बेहतरीन जी किसम का नाश्ता नाश्ते जनाब अच मोठी नी दाल उस तो बाद वाइट चिकन केक पीस कश्मीर बेकरी ने माड़ा फेवरेट एग यानी कि अंडा सो नाश्ता शुरू करने पर टेबल पर झामी सी गए सो सारे को मैं एक ब्लॉग ही पूछा सी चाह पीनी चाहिए ज्यादा या नहीं पीनी चाहिए अल्लाह तो सारा ने भला कर सो सारे आख्या चाह ज्यादा पीनी चाहिए जहर अगर साढ़े रियासत साढ़े खिते भी ज्यादा चाह ना पीती जाती तो कुछ पीती जाती माड़ा ख्याल है सब तो ज्यादा चाह से पीने सो चाह अच्छी है तो फिर तो मामला शुरू हो सकता चाह से बगैर निजाम तो नहीं चलन ला माशाल्लाह जी चाय के साथ साथ परौंठा भी जजाक अल्लाह जी थैंक यू ओ ना ना मैं चाह नहीं गल करी रहा मैं चाह ज्यादा पीनी चाहिए चलो बाकी उन टेबल कंप्लीट हो ना पानी भी मौजूद सी चाह भी आई गया तो ना खूबसूरत जहा कणकण परौंठा सब कुछ मिला करने नाश्ते च बगैर वक्त जाया कि अलहमदुल्ला जी नाश्ता करी क्या जबरदस्त जी किस्म का बाबा थोड़ा बी गया गड्डी बिच कोटली बेसिकली आज स्टे करने का मकसद इतनी है कि थोड़े बाबी की यूनिवर्सिटी कोई कम काज से ना उसने रिलेटेड कुछ चीज़ें वास्तव होनी चाहिए असर कोई पुराने गाना गया पिछले तो मैं चलो वो भी सॉर्ट आउट करने सो उन्होंने तैयार होता इसने थोड़ी देर लगी उन्होंने कि मैं तब तक मैं गड्डी की स्टार्ट करना थोड़ा वार्म अप करना तो बनना ना इसकी भी सो गड्डी स्टार्ट करने वार्म अप करने फिर जुल्ले कोटली शहर तो जो कोटली कम काज ने इन्होंने यूनिवर्सिटी ने रिलेटेड वो मकाने तो उस तो बाद फिर तकने कहला है अमल बनना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब सुनी बावे की तैयारी आई गई तो मैं गड्डी करना है रिवर्स। अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम ये क्या कुछ लेके आए हैं आपका फोन गाड़ी और मेरा फोन चलो ठीक है बाकी होना सफर शुरू करना है अपना कोटली दा कश्मीर की तरफ माशाल्लाह बिनोद भ्राओ सफर अपना खूबसूरत जहा शुरू हो गया तो मैं तुम्हें दसा मिगी तो नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है उसी है नहीं दरिया बिल्कुल साफ है इस टाइम और उसकी वजह है कि रिसेंटली कोई इतनी अच्छी बारिशें नहीं हुई पर अगली पिछली कोई माड़ी है कि नेक्स्ट त्रै चार दिन अंदर अंदर बहुत मौसलाधार बारिशा होने लगी और इसकी ताज़ा मिसाल ग्वादर में कल बारिश हुई है तकरीबन 16-17 घंटे लगातार बारिश जारी रही है और उतना इतना सैलाब होया हुआ इस टाइम जितना कुछ शुमार नहीं सो बारिशा वास्तव जो इतने लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहे हो
हिफाजती इकदाम जितने भी होने हैं करो, बाकी होना तो वही है जो अल्लाह ने तरफों है, लेकिन अपनी एहतियात जो है ज़रूरी है। चल रहे हैं कोटली, इस रोड में साइडा ना काम कार जो तेज़ी ना जा रही है, इंशाल्लाह जल्दी है रोड भी कंप्लीट हो जाती, बल्कि हम हो चुकी है काफ़ी हद तक, हूँ सदा पानी या शहर आ ही सकने इन्होंने फासला आपस काफ़ी हद तक कटी गया, रोड नवी नवी बनिया रहना तो कश्मीर भी टूरिज्म तो बाकी जो इतने लोकल लोग हैं उन्होंने भी फायदा होना आया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना ठीक हुआ तो फिर ना तो अपने बंदे खुशहाल हो सकने और ना ही बाहरों कोई बंदा अच्छी तरह इंजॉय कर सकता। इधर फिर भी मैं समझना साढ़े निस्बत रात ही ठीक ठाक है, जिम्मे ठंड होनी है साढ़े पास तो रात भी होना, थोड़े दड़े में चाहिए ए सी तो पखे की टाकी टूकी मारनी पे। आ गया जी लारी अड्डा कोटली भाई, और बिल्कुल छता पटने आशा अगर दस होता है तो तारा बिजली ने बिल्कुल कोल, अल्लाह ने बदल अपने एहतियात कराया करो, पर कुछ है देसी लाइफ से थी है, लेकिन फिर जिला बिजली ना कुदरे कोई अल्लाह ना करे कोई लगी जाना तो उल्ला आने भाई गवर्नमेंट नहीं गलती है, गवर्नमेंट की तो गलती थी है कि थोड़ी अपनी भी एहतियात बननी है, नहीं तो ये गवर्नमेंट की गलती है ना, देखे तारे कैसी हैं, मेरा हूं गवर्नमेंट क्या पता सब बसाने छता पर खाली दे जासो, लेकिन ट्रक पे तो ऊंचे जाते होंगे ना, चलो ट्रक का ना फिर कॉल नहीं कंडीशन, लेकिन बंदा ना लगे तो कॉल तो नहीं ना जी, ये देखिए सुजुकी पे भी आपने छत पे सफर किया है कभी? कॉलेज लाइफ बस की छत पे, बस की छत बहुत बार सफर किया, एक बार नहीं बहुत बार, हालांकि बस सारी खाली होती थी लेकिन फिर भी हमें शौक होता था कि वो छत पर भी थे जिस। आ गया जी कोटली ना मशहूर शहीद चौक, अल्लाह ताला मकबूल भट्ट साहब ने दर्जात बुलंद फरमाया, उन्होंने काफ़ी पिक्चर इतना लगिया होने, हमें जिला इतना तगड़ा इतफाक होना और दिल खुशी होनी है कि चलो साढ़े जोड़े अजीम रहनुमा सन जिन्होंने तरीके आज़ादी है कश्मीर बहुत बड़ा किरदार से जिन्हें अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, उन्होंने की लोगों कम अज़ कम थोड़ा बहुत इसे लेकिन इसे याद रखेगा। जी तो भैया भ्रो इसलिए मौजूद से बाबा थोड़ा कोटली है, कोटली से एक दो चीज़ा चाहिए सर, तो मैं आया कि जुला पाकिस्तान को बाबे अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो खरीयत है सच ठीक है छोटे मोटे कम काज सन कोटली मकाए तो बाकी काफी दोस्त अहबाब चाहने वाले मुलाकात हो गई गाय बगाए इस तरह रहना मैं, लेकिन हमेशा तुम्हें पता मैं जल्दी होना इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकनी, जिले भी कुछ गड्डी पर लियो ना दो चार बंदे जाने लभी जाने अल्लाह ताला सारे सलामत रखा है, इतना प्यार में बंदा इजहार करने हो, अगर रमजान शरीफ आई रहा ना तो मेरी तरफ एडवांस अनाउंसमेंट है कि रमजान में एक बड़ी तगड़ी जी अफतारी होती साड़ी कोटली कोई लोकेशन तक या तुम कमेंट सैक्शन में मिगे दस जोड़ा सबसे बेस्ट लोकेशन कही रही जी लोकेशन से बस उत्तर इंशाल्लाह ग्रैंड जी अफतारी रख सफतारी ने भी एक स्वाब ना स्वाब मिल बैठ के अफतारी करने और दूसरा सारे नाल मीट अप होज असी इंशाल्लाह। ट्रैफिक तो कोटली में काफ़ी ज़्यादा है, मकबूल भट्ट साहब ने फोटो में से बाया ना इतना तकने के चौकी मिली जैसी है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए इन्होंने, बेगम साहब को और चीज़ चाहिए नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, चलो मैं अमरूद लेने हैं ना, अमरूद चलो अमरूद ही बेगम साहब कोटली का ताज़ा ताज़ा अमरूद, इसके अलावा कोई फ्रूट कि ना नहीं चलो अमरूदा पर इतफाक कर रहे हैं, चाचा कितने पैसे हो गए? कितने पैसे? 200 ठीक है 200 रुपये ने किलो, तो यकीन करो कि साढ़े जमाने में अमरूद 50-60 रुपये किलो होने सर, और जो आंढ़िया गुआढ़िया ने बूटे लगे होने सर ना उन्हें अमरूद अस फ्री गए त्रोड़ी तक खाने रहे। अच्छा समान सारा निकालिएगा ओके, पहला तो ड्रॉप पहुंचे हैं वापस ससुराल बाद बेगम साहिबा की इथे ड्रॉप करता हां बैठ जी पेंदी बैठ पेवंदी बैठ, आपने खुद के बताया है बाकी सबको बताने देते हैं इनको क्या कहते हैं, पहला भाई तू इंग्लैंड गए ना की पता है पेंदी बैठ, कमेंट सेक्शन दस पता है ना पेंदी बैठ क्या होने तो कुछ खा देवे, सो बेगम साहिबा की थलाने ड्रॉप करने थोड़ा फ्रेश होने नमाज ना टाइम है उस तो बाद फिर निकलने वापस प्लाका ली तरफ।
ਪਰਨੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਹਾੜ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸੋ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਲਾਕਾ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵਿਚ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਕੀ ਅਧੂਰਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇੜੇ ਮੈਂ ਕੋਡਲੀ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇੜੇ ਉਹ ਪਲਾਕਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਲਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਕ ਸੋ ਕੋਡਲੀ ਇਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਚਲੋ ਤੱਕਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਡਲੀ ਸੋ ਪਲਾਕ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਸਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਕਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਰਿਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਈ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਚੱਲਣੇ ਆ ਕਾਰ ਕਾਰ ਜੁਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੱਕਣੇ ਦਾ ਸੀ ਕਾਜ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਕੋਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸੂਰਜ ਆਲਮੋਸਟ ਗਰੂਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 5:40 ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਓਲਡ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਨਯਾ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪਲਾਕ ਹਨੇਰਾ ਗੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪਲਾਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੇਕ ਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਲਾਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੱਕਣੇ ਅਗਲਾ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਮਲ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੱਕੋ ਨਾ ਦਿਲ ਕੋ ਦਿਲ ਸੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪਲਾਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਕਾਸ਼ ਜੱਟ ਪਲਾਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਕਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਅਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਪਲਾਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਕ ਸੁ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਛੜੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫੈਨ ਲੱਭੇ ਸਨ ਮਿਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਟੀ ਬਰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਅਮੀਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾਈਟੀ ਫੈਨ ਮਾੜੇ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮਾਈਟੀ ਬਰਗਰ ਮੀ ਖਵਾ ਲਿਆ ਨੇ ਵਾਹ ਅਲਾ ਮਾੜਾ ਮਾਈਟੀ ਬਰਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਜਸ਼ਤਾ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੂੰ ਬੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣੇ ਸਨ ਸੁੱਕਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ ਸਲਾਮ ਸੁੱਕਾ ਇਸਲਾਮ ਅਲਾ ਨਕਾਸ਼ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਾਣਾ ਬਰਗਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਟੀ ਆਓ ਬਰਗਰ ਕਹਿ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜੋ 2-4 ਫੈਨ ਨਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਰ ਲੱਭਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦਿਲੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝੀ ਬੁੱਝੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਪ ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਆ ਬਲਕਿ ਜੁਲਿਆ ਕਾਰ ਅਜੀ ਤਾਂ ਬਣੋ ਬ੍ਰੋ ਨਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰ ਕਾਰ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਨੇਰਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰ ਅਸਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਨਾਬ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਸੋਚਨੇ ਹਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਡੋਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੋਖੇ ਐਡੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਰੋਜ਼ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਫਿਰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰੀ ਟੁਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਗੇਟ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਾਲ ਸੋਣਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨੇ ਆ ਸਲਾਮ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਾਰ ਸੋਣ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਤੱਕਣਾ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕੈਡਿਟ ਕਰਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮ ਆਨੇ ਲਾ